चाचा चाय ले आए, गए पलट के लाके गिलास दे दिया। समझे बच्चों, ये सोच के मत जाओ महफिल किस अंजुमन की है, ये सोच के मत जाओ शब्बेदारी किस खानदान की है। हम करेंगे, हमारा बीबी का मैटर है, दैट्स ऑल। हमसे इससे क्या मतलब है कि किस अंजुमन की है किस उसकी है। इसलिए मैं एक जुमला फिर रुक के कहते, दुनिया लड़ जाए आपस में, सैयद को नहीं लड़ना चाहिए। इसलिए कि अगर हमारी औलाद आपस में लड़ेगी, किसी को तकलीफ हो या ना हो, माँ बाप को तकलीफ होगी। अगर सैयद लड़ेगा, किसी को तकलीफ हो या ना हो, फातिमा को होगी। इसको सोच के आप लोग ग्रुप बनाइए, इसको सोच के आप लोग पार्टी बनाइए, इसको सोच के जो चाहिए कीजिए कि अगर हमारे यहाँ इख्तलाफ है तो हमारी जद्दा माजदा को इसकी अजियत पहुंचेगी। इससे इनकार नहीं हो सकता। जिसके दिल में आपकी आपकी औलाद की मोहब्बत है, उसको बहिश्त में दाखिल कर दीजिए। मैं अक्सर मिसालें गढ़ता रहता हूं, लेकिन ये मेरी मिसाल नहीं है, इमाम की मिसाल है। फरमाते हैं फिर बीबी महशर में आएंगी, और जैसे परिंदे खराब दानों के बीच से अच्छे दाने चुन लेते हैं, शहजादी पूरे महशर से अपने चाहने वालों को चुन लेगी। जिन जिन लोगों ने बीबी के तस्करे में जैसे भी तआवुन किया है, मेहनत की है, कोशिश की है, हर आदमी पैसा थोड़ी लगा सकता है। किसी ने फर्श बिछाया है, किसी ने जो है वो एक बल्ब सही कर दिया है, किसी ने झाड़ू लगा दिया है, माशाल्लाह यहाँ मजालिस भी हुई हैं। खुदा जिस जिस ने भी सिद्दीक़ ताहरा के सिलसिले में जर्रा बराबर, या अल्लाह उसको उसका आजर बेहक फातमा ये जहरा इनायत फरमा। क्या बात है, तुम लोग क्यों रुक गए हो? ये लोग कहेंगे हम अपनी हैसियत देखना चाहते हैं। आवाज़ कुदरत आएगी तो तुम लोग भी वापस जाओ, और तुम लोग भी जाके चेक करो जिसने भी तुमको फातिमा की मोहब्बत में खाना खिलाया हो। लिहाजा एक बात मैं कहता हूँ खाने के मैटर में, ठीक है, अल्लाह ने अगर किसी को नवाजा है वो कर सकता है, करे, बिल्कुल करे, मगर सवाब को फैलाइए। नहीं समझे मेरी बात? आप इस लायक हैं, आप अकेले 50,000 खर्च करके खिला सकते हैं, लेकिन ऐलान कर दिए मैं करूँगा, जो भी शामिल होना चाहे, 10 रुपया देना चाहे तो आ जाओ, 50 रुपया देना चाहते हो आ जाओ, तुम्हारी औकात 200 की आ जाओ, जो कम पड़ेगा मैं लगाऊंगा। समझ गए? तो उसके दिल से दुआ निकलेगी, यार हम अकेले तो इस लायक नहीं थे, लेकिन इनकी वजह से 10 रुपया दे के हम भी, उसकी दुआ आपको लग जाएगी उस जो है वो 10 रुपए से ज्यादा की। तवज्जो फरमाए थे, ये सारी चीजें तवज्जो की हैं। खुदा तौफीक दे वापियन हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को, कि नाम फातिमा पर ये मुत्तहिद हो जाए, एक हो जाए इंशाअल्लाह। खूब जाइए चेक कीजिए, तमाम कर दिया मैंने, जिसने भी तुमको फातिमा की मोहब्बत में खाना खिलाया हो, एक, जिसने भी तुमको फातिमा के नाम पर लिबास दिया हो। लंदन वगैरह में जाते समझ गया, यही क्या कहते हैं आपके दिल्ली वगैरह, मालूम है एक दो आदमी खाना खा के उठ रहे 3,000 रुपए, 2,500 रुपए, होता नहीं होता 400 रुपए तो मेरी आमदनी है, रक्षा चलाता हूँ, तो मैं जनाब फातिमा के नाम पे खाना क्या खिला पाऊंगा? एक किसी को कुर्ता पजामा दे दीजिए आप बीस जमादिस्तानी के लिहाज से, तो 500 रुपए से कम का नहीं होगा, तो मेरी तो आमदनी 400 रुपए है। मैं अपने बच्चों पर, तो जन्नत पैसे वालों की है। तो पूरी रिवायत सुना, जाइए आप लोग चेक कीजिए, जिसने आपको फातिमा की मोहब्बत में खाना खिला, जिसने भी तुम लोगों को फातिमा की मोहब्बत में लिबास दिया, जिसने भी तुमको फातिमा की मोहब्बत में एक गिलास पानी पिलाया। समझ रहे हैं मेरे बच्चे? लोग महफिल में आ रहे, चाय का वो रखा हुआ थर्मस, तुमको कुछ नहीं करना, नीयत देखी जाती है। चाचा चाय ले आए, गए पलट के लाके गिलास दे दिया। समझे बच्चों, ये सोच के मत जाओ महफिल किस अंजुमन की है, ये सोच के मत जाओ शब्बेदारी किस खानदान की है।
हम करेंगे, हमारा बीबी का मैटर है, दैट्स ऑल। हमसे इससे क्या मतलब है कि किस अंजुमन की है किस उसकी है। दुआ करें वाकई खुदा हमारे यहाँ हमारे बच्चों में ये मिजाज डेवलप करे इंशाल्लाह, कि ये तो जो है वो आबिदिया की है, तो ये तो मजलूमिया की है, तो ये तो अब्बासिया की है, सब अहले बैत की है। अल्लाह ने इनको तौफीक दी, इन्होंने आज फर्श बिछाया है, कल वो बिछाएंगे, परसों वो बिछाएंगे, हम इनके यहाँ भी शरीक होंगे, हम इनके यहाँ भी शरीक होंगे। इसलिए कोई अपने बाप की आज़ादारी नहीं कर रहा, हर आदमी फातिमा के लाल की आज़ादारी कर रहा है। अगर बीबी को खुश करना है तो हमको इन ग्रुपबाजियों से उठना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। जाओ देखो जिसने भी फातिमा के नाम पर खाना खिलाया, तुमको फातिमा के नाम पर लिबास दिया, जिसने भी तुमको फातिमा के नाम पर मोहब्बत में एक गिलास पानी दिया, हद हो गई। बैठे चार पांच आदमी, यार वसी साहब बहुत नक्शेबाज हो गए हैं, बहुत। इनको जब फोन करो भैया खाली नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है, अगर कुछ इसका मैटर है तो खुल के बोलना चाहिए। इस तरह के दिमाग में लोगों के ख्याल आते हैं। आप वहां बैठे हैं, नहीं नहीं भाई ये बात हम नहीं सुन पाएंगे, मैं उस आदमी को जानता हूं, वो ऐसा नहीं करेगा। आपसे हमारी क्या रिश्तेदारी है, आपने क्यों हमारा साथ दिया? अब वहां ये देखा जाएगा कि ये आदमी इसकी हिमायत में बोल क्यों रहा। आप कहेंगे साहब ये जनाब फातिमा का जाकिर है, है ना। तो अब अगर आप किसी की हिमायत में इश्क फातिमा में बोल पड़े हैं, वो भी वहां काउंट होगा। जिसने भी तुमको फातिमा के नाम पर पानी पिलाया मोहब्बत में, जिसने भी फातिमा की मोहब्बत में तुम्हारी गीबत होने से रोका, यहां तक है, जाओ उसका हाथ पकड़ो, बहिश्त में दाखिल कर दो। इमाम बाकर सलामुल्लाह अलैह कसम खा के इमाम ने फरमाया, वल्लाह ये जाबिर, फिर वो करम चलेगा फातिमा का महशर में, सिवाय मुनाफिक। मुनाफिक की कहीं जो है वो वहां बख्शिश नहीं है, सबसे बड़ा जुर्म है मुनाफिक। आप देखिए किस कैटेगरी में रखा जा रहा है, सिवाय मुनाफिक काफिर शाक के अलावा कोई बचेगा नहीं जिस पर फातिमा का करम ना हो जाए। या अल्लाह हमको अहले बैत के बारे में शक से महफूज फरमा, कुफ्र से बचा ले, नफाक से बचा ले, इसलिए कि ये चीज़ें वो हैं जो हमारे सारे आमाल पर पानी फेर देते हैं। इनके सामने इनकी जैसी, इनके सामने इनकी जैसी। या अल्लाह हम सबको इससे महफूज फरमा। जिन लोगों ने इस जश्न का एहतमाम किया है, अल्लाह उनसे इस इनकी कोशिशों को कबूल फरमा, हमारी कौम में इत्तेहाद और इत्तेफाक इनायत फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।